Good morning, class 4th. Welcome again in computer online class. Today we are going to start a new chapter, Windows Desktop. So let's start. First of all, the key points of the chapter are as follows. Number 1. आफ्टर इस्टारंप्यूटर सिस्टम द फर्स्ट स्क्रीन शोन इज़ कॉल्ड डेस्क टॉप तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डेस्कटॉप क्या होता है तो जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने अपीयर होती है उसको हम विंडोज़ डेस्कटॉप बोलते हैं द पॉइंट नंबर टू इज़ डेस्कटॉप इज़ शोन इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ एक्स पी विंडोज़ सेवन विंडोज़ एट विंडोज़ टेन एट्सट्रा तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में चाहे कोई सी भी विंडो यूज़ कर रहे हो वो विंडो एक्स पी हो या विंडो सेवन हो विंडो एट हो विंडो टेन हो कोई सी भी विंडो आप यूज़ कर रहे हों जो भी फर्स्ट स्क्रीन आपके सिस्टम में ओपन हो के आएगी उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं विंडोज़ आप कोई सी भी यूज़ कर रहे होके okay? देखिए यहाँ पर विंडोज़ डेस्कटॉप की पिक्चर देखिए कुछ इसी तरह की स्क्रीन आपके सिस्टम पर ओपन होके आती है तो जब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को तो यही स्क्रीन हमारे सामने ओपन होके आती है और इसी को हम विंडोज़ डेस्कटॉप बोलते हैं ओके नाउ सेकंड पॉइंट इज़ आइकन नंबर वन स्मॉल पिक्टोरियल सिंबल्स शोन ऑन डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स तो जो आपका डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर जो छोटे छोटे पिक्चर्स बनी हुई होती हैं उन छोटे छोटे पिक्चर्स को हम उन छोटे छोटे पिक्चर्स के जो सिंबल्स होते हैं उनको हम आइकन बोलते हैं ओके नंबर टू दीज आइकन्स आर शोन इन स्मार्टफोन ऑल्सो बाई एप्स ठीक है जो आपका स्मार्टफोन होता है स्मार्टफोन में आपको जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देती हैं ऐप्स जिनको हम बोलते हैं जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है जो ऐप जो उनके आइकन्स दिखाई देते हैं ना जो ऐप होती हैं उनको हम आइकन्स उनको भी हम बोल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट रिसाइकल बिन ये सारे आइकन आपको अपने कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर ये सारे आइकन आपको बने हुए दिखाई देते हैं देखो जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी गया है डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे सिम्बल्स बने हुए हैं इनको हम आइकन बोलते हैं ओके नेक्स्ट है माई कंप्यूटर फर्स्ट आइकन ऑन डेस्क विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ माई कंप्यूटर जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करेंगे तो और कोई आइकन आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन माय कंप्यूटर का आइकन वहाँ पर आपको हमेशा दिखाई देता है नंबर टू इट अपीयर्स टू ओपन डिस्क ड्राइव्स एंड सिस्टम फोल्डर्स तो जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइव्स हैं जैसे सी ड्राइव है डी ड्राइव है ई e ड्राइव है कोई जितनी भी आपके सिस्टम में जो ड्राइव्स हैं वो सारे आप माय कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करके ही उनको ओपन कर सकते हो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है नीचे विंडोज़ डेस्कटॉप है इसमें सिर्फ एक ही आइकन बना हुआ है ठीक है सर्किल में आपको दिखाया है माई कंप्यूटर जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको ड्राइव्स दिखाई देते हैं जैसे सी ड्राइव है डी ड्राइव है ई e ड्राइव वो सब यहाँ पर डबल क्लिक करके करने के बाद ही आपको दिखाई देती हैं और कोई आइकन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा हो या ना हो रहा हो लेकिन माय कंप्यूटर का आइकन जरूर होता है नेक्स्ट है हमारे पास में माय डॉक्यूमेंट माय डॉक्यूमेंट इज आल्सो एन आइकन ऑफ डेस्कटॉप डेस्कटॉप के ऊपर माई डॉक्यूमेंट का भी एक आइकन होता है इट अपियर्स टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखिए यहाँ पर माय डॉक्यूमेंट्स आइकन की पिक्चर भी बनी हुई है इसके अंदर फाइल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं तो आपको अगर अपनी फाइल्स को सेव करके रखना हो आपने कुछ वर्क किया है कोई फाइल बनाई है उसको आपको सेव करके रखना है तो वो आप माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी फाइल को सेव करके रख सकते हैं ओके नाव द एक्सरसाइज वर्क फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट ट्रू और फॉल्स आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स उसके सामने जो भी है वो लिखना है नंबर वन स्टार्ट बटन अपीयर्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ टास्क बार तो जो डेस्कटॉप हमारे पास जो विंडोज स्क्रीन ओपन होके आती है डेस्कटॉप में सबसे नीचे टास्क बार होती है तो ये कहता है कि स्टार्ट बटन अपीयर्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार तो जो स्टार्ट बटन होता है ठीक है वो टास्क uh, बार के लेफ्ट साइड में होता है तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू क्योंकि स्टार्ट बटन जो है वो टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है पॉइंट नंबर टू इज़ टास्क बार इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन टास्क बार स्क्रीन के बॉटम में होती है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया टास्क बार जो है सबसे नीचे होती है ठीक है तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है नाउ पॉइंट नंबर थ्री डिजिटल क्लॉक इज नॉट शोन राइट टाइम एंड डेट आपके सिस्टम में एक डिजिटल क्लॉक होती है तो यहाँ पर स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल क्लॉक है वो राइट right... टाइम और डेट नहीं दिखाती ये स्टेटमेंट गलत है जबकि वो राइट टाइम और डेट हमें शो करती है नंबर फोर इज़ डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड इन माई डॉक्यूमेंट इस स्टेटमेंट का मीन्स क्या है कि जो भी फाइलें आप डिलीट करते हैं अपने सिस्टम से वो सारी माई डॉक्यूमेंट में जा कर के स्टोर हो जाती हैं यह स्टेटमेंट गलत है फॉल्स है क्योंकि जो जितनी भी हमारे पास डिलीटेड फाइलें होती जो भी हम फाइलें डिलीट करते हैं वो सारी रिसाइकल बिन में चली जाती हैं माय डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाती हैं नंबर फाइव इज फोल्डर इज़ यूज्ड टू स्टोर डॉक्यूमेंट फोल्डर डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं तो फोल्डर बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि फोल्डर के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं जैसे अभी आपने माई डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा माई डॉक्यूमेंट्स भी एक फोल्डर ही है तो जितनी भी फाइलें जो भी हैं आपको सेव करनी है तो आप माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको सेव कर सकते हो तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है ओके स्टूडेंट्स सो Your today's homework is you have to do these true false in your book very neatly and correctly and learn also. Thank you. Have a nice day.